बताइए जो भी इंग्लिश में दे रखी है। तो एक स्टोरी है जिसका नाम है गीता और वर्ण, पहले उसको पढ़ लेंगे फिर उसके प्रश्न के उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। वाणी गीता की बड़ी बहन थी, दादी जी खीर लाए। दादी जी क्या लाए? खीर लाए। और वाणी किसकी बड़ी बहन थी? गीता की बड़ी बहन थी। खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी वाणी? कहानी की किताब, है ना। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उसको याद रखते रहिएगा, क्योंकि जब टीम के आंसर आप लिखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। कहानी एक लड़की की थी, कहानी का नाम था भरी लड़की। कहानी का क्या नाम था? भरी लड़की। तो लड़की बड़ी भरी थी, वह सबकी मदद करती थी। और इसमें बस इतना ही दिया है, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर दिए हैं जितना मैंने आपको बताया, आइए उसके आंसर देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है? गीता की बड़ी बहन कौन थी? और मैंने अभी आपको क्या बताया? गीता की बड़ी बहन कौन थी? जो पहली लाइन थी उसमें बताया था कि वीणा गीता की बड़ी बहन थी। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर आएगा? गीता की बड़ी बहन कौन थी? वाणी। क्या नाम था उसका? वाणी। यस। फिर दादी जी क्या लाए? दादी जी क्या लेकर आई थी? यस, खीर लेकर आई थी। फिर वाणी क्या पढ़ रही थी? वाणी क्या पढ़ रही थी बताइए। मैंने भी आपको बताया था कि वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? कहानी की किताब। फिर कहानी का क्या नाम था? कहानी का नाम क्या था? लास्ट लाइन थी, मैंने आपको बताया था कहानी का क्या नाम था? बली लड़की। क्या नाम था? बली लड़की। अब आपने स्टोरी तो पूरी पढ़ ली थी ना, फिर और इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, है ना। गीता की बड़ी बहन कौन थी? वाणी। दादी जी क्या लाई? क्या लाएंगी दादी जी? खीर। वाणी क्या पढ़ रही थी? कहानी की किताब। क्या पढ़ रही थी वाणी? कहानी की किताब। कहानी का क्या नाम था? कहानी का नाम था भली लड़की। इन सारे प्रश्न के उत्तर आपको याद हो गए होंगे, है ना। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं और उसके प्रश्न के उत्तर ऐसे ही करेंगे, ठीक। हाँ, और दूसरी स्टोरी हमारी कौन सी है? गुड़िया की चुनरी। तो पहले चलिए स्टोरी को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जो प्रश्न दिए का खा का खा इन सब के आंसर हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले स्टोरी को सुनते हैं। तो स्टोरी का नाम है गुड़िया की चुनरी। एक चुड़िया थी। कौन थी? एक चुड़िया थी। दिन भर कुटकुट करती रहती थी। अब चुड़िया तो कुटकुट ही करती है ना, तो चुड़िया कैसे करती थी? दिन भर कुटकुट करती थी। एक दिन सुबह की गुड़िया बाहर पड़ी थी। एक लड़की थी जिसका नाम था सुबह, उसकी गुड़िया कहाँ पड़ी थी? बाहर पड़ी थी। चुड़िया उधर आ गई। कहाँ आ गई? जहाँ पर सुबह की गुड़िया पड़ी थी। कुटकुट कुटकुट, वह कुटकुट कर गुड़िया की चुनरी उतर गई। जो गुड़िया की चुनरी थी, चुड़िया ने उसे क्या किया? कुटकुट करके उतर दिया। सुबह भागी आई। सुबह ने जैसे देखा कि चुड़िया उसकी गुड़िया को, उसकी चुनरी को उतर रही है, सुबह दौड़ती हुई उसके पास आई और चुड़िया डर गई। सोची कि अरे ये कौन आ रहा है, तो डर के मारे चुड़िया वहां से भाग गई। वह बिल की ओर भाग गई। कौन? वो चुड़िया। सुबह गुड़िया उठाकर भीतर आई। सुबह ने गुड़िया को उठाया और कहां आई? भीतर लाई। भीतर मतलब अंदर लेकर आई। सुबह बहुत उदास थी। अब उसकी गुड़िया की चुनरी चुड़िया ने उतर दी तो सुबह क्या हो गई? बहुत ही उदास हो गई। दादी जी कपड़ा लाई। सुबह की जो दादी थी, जब उन्होंने देखा कि अरे सुबह की गुड़िया की चुनरी तो चुड़िया उतर गई, अब सुबह बहुत उदास है, तो वो क्या लेकर आई? कपड़ा लेकर आई। गुड़िया की नई चुनरी बन गई।
पहली वाली तो चुहिया ने कुतर दी, लेकिन दादी जी एक नया कपड़ा लेकर आई और चुहिया की एक नई चुनरी बना दी। नई चुनरी पहनकर गुड़िया नाच उठी। जब वो गुड़िया ने नई चुनरी पहन ली तो वो बहुत अच्छी सी लगने लगी। अब सुधा भी बहुत खुश हो गई थी कि उसकी गुड़िया की जो चुनरी चुहिया ने कुतर दी थी, एक दादी जी नया कपड़ा लाई और उसकी चुनरी फिर से बना दी और उसकी गुड़िया फिर से बहुत प्यारी बहने की तरह लगने लगी। अब इन प्रश्न को देखते हैं, गुड़िया किसकी थी, कौन सी लड़की थी कहानी में जिसकी गुड़िया बाहर पड़ी थी? शुभा। यस गुड। शुभा की क्या थी? गुड़िया थी। चुनरी किसने कुतर दी? जब मैंने आपको स्टोरी बताई तो उसमें बताया ना कुट कुट करके चुनरी कुतर दी। किसने कुट कुट करके चुनरी कुतर दी? चुहिया ने। चुहिया ने क्या किया? सुभा की गुड़िया की चुनरी को कुट कुट करके उतर दिया। सुभा को कैसा लगा? अब अगर उसकी गुड़िया की चुनरी कोई काट देगा उसको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो सुभा को बुरा लगा और वो उदास हो गई। नई चुनरी किसने बनाई? दादी जी ने। दादी जी नया कपड़ा लेकर आई फिर उससे क्या बनाया? चुनरी बनाई। तो चुनरी किसने बनाई थी? सुभा की दादी जी ने, है ना। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप छोटा आ बनाएंगे या भा बनाएंगे या धा बनाएंगे या छा बनाएंगे, तो जब भी आप इनको बनाएंगे तो इनके ऊपर केवल इतनी लाइन करनी होगी, है ना। अगर आप आ बनाकर इसके ऊपर पूरी लाइन कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप भा बनाकर उस पर पूरी लाइन कर देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, और अगर आप धा बनाकर पूरी लाइन कर देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, और छा बनाकर पूरी तो ये भी गलत। तो जब भी आप आ भा धा छा ये सारे अक्षर जब भी बनाएंगे तो उसके ऊपर केवल इतनी ही लाइन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे आंसर याद हो गए होंगे, और जब आपको एग्जाम होगा तो आप इसके आंसर बहुत आसानी से बता देंगे और आप लोग के बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ने से पहले इसमें कुछ दिया है, खाली जगह लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त का अर्थ होता है, मतलब रिक्त का मतलब होता है खाली जगह। जैसे ये लिखा है चुड़िया चुनरी, फिर खाली जगह है, फिर गई। तो जो खाली जगह है वहाँ पर आपको सही वर्ड लिखना है जो मैंने आपको स्टोरी में पढ़ाया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कपड़ा, खुश, कुतर, चुनरी और चुड़िया। इन शब्द को देखना है आपको, इस खाली जगह को पढ़ना है और इसमें जो शब्द सही शब्द होंगे उनको लिखना होगा। तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं, चुहिया चुनरी डैश गई। चुहिया ने चुनरी क्या किया? कपड़ा, खुश, कुतर, चुनरी, चुहिया, क्या किया था? कुतरा था, है ना। तो यहाँ क्या आएगा? चुहिया चुनरी कुतर गई, है ना। फिर डैश डर गई। कौन डर गया? कपड़ा डर गया? नहीं, कपड़ा तो नहीं डरेगा। खुश डर गई, अब खुश तो कुछ नहीं था। कुतर डर गई, ये भी गलत हो गया। चुनरी डर गई, अब चुनरी किसे डरेगी, ये भी गलत हो गया। क्या बचा? चुहिया डर गई। कौन डर गया था कहानी में? चुहिया। तो इस खाली जगह पे हम क्या लिख देंगे? चुहिया, है ना। दादी जी लाइन, दादी जी क्या लेकर आई थी? ये देखिए लिखा हुआ है कपड़ा, जिससे उन्होंने क्या बनाया था? गुड़िया की चुनरी। तो दादी जी क्या लाई थी? कपड़ा। फिर इसके बाद आगे आगे की खाली जगह को हम भरते हैं, देखिए। फिर देखिए आगे क्या है, गुड़िया की नई डैश खाली जगह बना दी। अब गुड़िया की क्या बना दी? नई, तो उसकी गुड़िया की चुनरी क्या बना दी? नई चुनरी, क्योंकि गुड़िया की जो पुरानी चुनरी थी वो कौन उतर गया था?
चुड़िया पुत्र की थी। जब चुड़िया पुत्र डी तो उसके बाद उसकी नई क्या बना दी गई? चुनरी। और किसने बनाया था इसे? यस, दादी जी ने। अब सुबह कैश थी, खाली जगह यहाँ पे क्या थी? जब सुबह की गुड़िया को पहले उसकी गुड़िया की चुनरी पहले चुड़िया ने उतर दी तो वो बहुत ही क्या हो गई थी? उदास हो गई थी। फिर दादी जी कपड़ा लेके आई, उस कपड़े से चुनरी बना दी। तो सुबह क्या हो जाएगी जब उसकी गुड़िया को नई चुनरी मिल जाएगी? तो क्या हो जाएगी? खुश थी। सुबह क्या थी? खुश थी। इसको एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था आपका? का वाला, चुड़िया चुनरी खाली जगह गई। तो चुड़िया ने चुनरी क्या किया था? उतर गई, खाली जगह डर गई। कौन डर गया था? चुड़िया डर गई थी। दादी जी खाली जगह लाई। दादी जी क्या लेकर आएंगी? कपड़ा लेकर आएंगी। तो दादी जी कपड़ा लाई, गुड़िया की नई खाली जगह बना दी। तो गुड़िया की नई क्या बनी थी? चुनरी। गुड़िया की नई चुनरी बना दी। अब सुबह खाली जगह थी। सुबह क्या थी? सुबह बहुत खुश हो गई। जब उसकी गुड़िया को नई चुनरी मिल गई तो सुबह क्या हो जाएगी? बहुत खुश हो जाएगी, है ना। तो अब ये वाली स्टोरी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। दूसरी स्टोरी मैंने आपको जो बोला है पढ़ाने को, उसको मैं इसके बाद पढ़ाऊंगी। ओके okay?